आप लोग ना इस पर स्क्रीन में देखो, मैं अपना गूगल प्ले स्टोर बैलेंस को ट्रांसफर किया हूं। भाई जो मेरा गूगल प्ले स्टोर का बैलेंस होता है ना, उस गूगल प्ले स्टोर का बैलेंस को ट्रांसफर किया हूं। 100 रुपया, 1500 रुपया, फिर 100 रुपया, फिर 200 रुपये मेरा प्रोसेसिंग में, 10-10 रुपया वाला भी दो यहाँ पर मेरा प्रोसेसिंग में है, ठीक है, तीन को। तो ये सब जो पैसे मैं ट्रांसफर किया हूं, ये बस मुझे ट्रांसफर कर दिया गया, और ये बिल्कुल ही आसानी से। मतलब अगर आपके भी गूगल प्ले स्टोर पर बैलेंस पड़ा हुआ, जैसे मान के चलो मेरे यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का बैलेंस देखो इस तरह से करके, अगर आपके भी गूगल प्ले स्टोर पर बैलेंस पड़ा हुआ है और आप लोग चाहते हो गूगल प्ले स्टोर बैलेंस को आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हो अपना बैंक अकाउंट में, अपना UPI ID में, तो आप लोग किसी भी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। इसका कंडीशन होता है आपको बस इस एप्लीकेशन का यूज करना। एक एप्लीकेशन है जिसका अंदर आप लोग इसका इंटरफेस देखो, एप्लीकेशन का इंटरफेस भी देख करके काफी ज्यादा मजेदार है। इसके यहाँ पर क्लेम सेक्शन पर क्लिक करके आप किसी भी ऑर्डर को लगाते हो, ऑर्डर लगाने के बाद अपना वॉलेट में लेना चाहते हो, फिर किसी अदर चीज में लेना चाहते हो, बैंक अकाउंट हो गया, बैंक में लेना चाहते हो, बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है वॉलेट का सेक्शन, वॉलेट सेक्शन पर क्लिक करके आप मान के चलो अपना UPI ID यहाँ पर एंटर कर देना। आप अगर UPI लेना चाहते हो UPI ID यहाँ पर आधार पर क्लिक करना, UPI ID एंटर करना, अपना Gmail ID एंटर करना, देन आपका ऑर्डर नंबर जो आप ऑर्डर लगा हुआ ऑर्डर लगा नंबर लिखना, फिर मैसेज में कुछ भी लिख देना, आपको पेमेंट कब चाहिए कितना, जो भी मतलब आपको जो मर्जी जो भी चीज आपको जो भी अच्छा लगा वो चीज यहाँ पर लिख देना, देना टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना। आपका यहाँ पर जो पेमेंट डिटेल्स रहेगा वो आपको सेव हो जाएगा, और फिर आपका जो ऑर्डर रहेगा इसी पेमेंट डिटेल्स पे आपको पेमेंट भी सेंड कर देगा, मतलब आपका पैसा जो रहेगा वो पैसा आपको इसी पे सेंड कर देगा, ठीक है। और मेरा ऑर्डर हिस्ट्री आप लोग यहाँ पर गौर से देख सकते हो कितना सारा मैं ऑर्डर यहाँ पर से लगाया हुआ हूँ। तो A to Z कहानी बताएंगे आगे चल करके वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को उसका सोल्यूशन देने के लिए आगे चल करके बताएंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जरूर जरूर मुझे कमेंट करना, और कमेंट करके भाई आप लोग यहाँ पर सब कुछ बता ही दूंगा। तो चलिए फटाफट से इस एप्लीकेशन के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताते हैं किस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना, और आपको भी कैसे कैसे अपना बैलेंस को ट्रांसफर। जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि आप लोगों को ऐसा एप्लीकेशन देने वाला हूं जिसका यूज करके आप लोग अपने प्ले स्टोर का बैलेंस को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप लोगों का जो प्ले स्टोर बैलेंस होता है, जैसे मेरे पास भी आप लोग गौर से देखोगे तो मेरा प्ले स्टोर पर भी आप लोग बैलेंस देखो कि कितना सारा पड़ा हुआ है, 3254 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये पैसे को अगर मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा, यानी कि इस गूगल प्ले बैलेंस को अपने जो UPI कैसे होता है अपना पेटीएम वॉलेट या फिर अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो कैसे करेंगे इस मेथड को, अगर आप लोग भी ट्रांसफर करने के लिए सीखना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ये मेथड को आप लोग आज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से आज आप लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा जिस एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग इस एप्लीकेशन का जो पैसा मतलब जो प्ले स्टोर का पैसा रहता है इस पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब आप लोग प्ले स्टोर का बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हो। तो कौन सा एप्लीकेशन है मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का आप लोग नाम देखोगे टोकन रिवार्ड करके एप्लीकेशन का नाम, इसे आप प्ले स्टोर से भी सिंपली से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, प्ले स्टोर वेरीफाइड एप्लीकेशन है। आप लोग इस एप्लीकेशन को सबसे पहले ओपन कर लेना। देखो एप्लीकेशन का पहले तो हम इंस्टॉल कर लिया, एप्लीकेशन मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ भी है, तो मैं इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल ओपन कर लेता हूं, ठीक है। एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इस तरह से करके कुछ इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें पहले बोलेगा रजिस्टर करने के लिए। तो रजिस्टर करने का जो कंडीशन उसको फॉलो करना, पहले तो आपको बोलेगा नाम डालने के लिए, आप कहां पर नाम डाल देना, जैसे मेरा नाम है पिंटू कुमार, यहाँ पर मैं अपना पिंटू और यहाँ पर KUMAR कुमार, पिंटू कुमार से इसका नाम डाल दूंगा। फिर बोला कि योर गूगल प्ले ईमेल ID, मतलब आपको अपना Gmail ID इंटर कर देना जिस Gmail ID का आपको पैसा को ट्रांसफर करना है, तो अपना Gmail ID इंटर कर देना। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, देन नीचे में कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करना, मतलब आपको दो पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एक तो पासवर्ड पहले तो कंफर्म पासवर्ड करने के लिए नीचे में क्रिएट करना पड़ता है, नाम अपना Gmail ID अपना मोबाइल नंबर अपना पासवर्ड अपना कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पर जस्ट रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा पहले से, तो मैं और इसमें जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद तो आप लोग इस एप्लीकेशन पर काम कर सकते हो। लेकिन मैं पहले से ही इस एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूं, तो काम करो भाई, मेरा तो हमारे पहले से अकाउंट बना हुआ ऑलरेडी रजिस्टर अकाउंट बोल रहा है, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तब साइन इन कर सकते हो, और साइन इन करने के लिए आपको अपना जो Gmail ID से रजिस्टर के दो Gmail ID और आपका जो पासवर्ड इंटर के दो पासवर्ड, ये Gmail ID और पासवर्ड डाल करके डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। लेकिन हाँ बीच में टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, और कभी कभी होता है कि आप Gmail ID इंटर करोगे और आपको पासवर्ड इंटर करने के बाद में कभी कभी पासवर्ड गलत होता है, मतलब पासवर्ड भूल जाते हो, तो आप उस जगह पर आपको अपना फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें से आप लोग अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, इस पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आप जो Gmail ID एंटर करोगे उस Gmail ID यहाँ पर उस Gmail ID के अंदर में जाएगा जिसके अंदर से आप लोग पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो, और ये ऑप्शन बस दो ही बार आप लोग कर सकते हो क्योंकि सिस्टम आपको दो ही बार आपको अप्रूवल देता है पासवर्ड को रिसेट करने के लिए, तीसरा बार आप नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से जो भी पासवर्ड बनाओगे पासवर्ड को याद रखना, फॉरगेट करने का नौबत आना ही नहीं चाहिए जब आप पासवर्ड को याद रखोगे, और गलती से भूल जाते हो तो भाई दो ही बार आप लोग पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। फिर मुझे तो अपने मेरा पासवर्ड सब कुछ याद हो, तो फटाफट से मैं क्या करता हूं, फटाफट से अपने यहां पर रजिस्टर कर लेता हूं, देन इसमें से जो आगे का प्रोसेस होता है उससे आपको मैं समझाता हूं। देन यहां पर अपना मैं Gmail ID से एंटर करके देन यहां पर लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, लॉगिन करते के साथ में मेरा यहां पर से Gmail ID एंटर हो चुका है, यहां पर अपने डिटेल्स में डाल करके लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, बोल रहा है वेलकम आपका स्वागत है, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन को टेस्टिंग करने के लिए पहले ही बहुत बार यूज कर चुका हूं, जिसकी वजह से मैं यहां पर टेस्ट करके पहले पता कर सकूं कि यह एप्लीकेशन आपके लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैं अच्छे तरीके से टेस्टिंग कर लिया हूं, देन एप्लीकेशन को यहां पर अच्छे तरीके से टेस्ट करने के बाद में आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर में आ जाओ। अब यहां पर बोल रहा है कि आपको कितना रुपया ट्रांसफर करना,
करना भाई, 10 रुपये ट्रांसफर करना है कि 20 रुपये ट्रांसफर करना है कि 30 रुपये ट्रांसफर करना है, जितना रुपये भी ट्रांसफर करना है उतना रुपये ट्रांसफर कर सकते हो। मान के चलो अगर आपको 10 रुपये ट्रांसफर करना है तो इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद परचेस ऑप्शन पर क्लिक, यहाँ पर देखो ये परचेस ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करोगे, इस पर करने के बाद में आपको बोल रहा है आपको 10 रुपये लेने के लिए आपको 21 रुपये इसको देना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग 10 रुपये ले सकोगे। तो आप लोग यहाँ पर गौर देखो, यहाँ पर जस्ट मैं बैक ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ये वाला मेरा 10 रुपये का यहाँ पर टॉपअप सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा पहला ऑप्शन। अगर मान के चलो इसमें से मान के चलो भाई आपको 10 रुपये की जगह पर आपको मान के चलो 50 रुपये करना, ठीक है, 50 रुपये करना चाहिए तो 50 भी कर सकते हो, आपको जितना मर्जी उतना रुपया यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। और आपको भाई ट्रांसफर करने का प्रोसीजर भी आपको बताएंगे, पहले मेरा ऑर्डर स्टेटस आप लोग गौर से देखो, मैं इसमें से कितना बार ट्रांसफर किया हूँ, यहाँ पर गौर देखोगे तो एक बार 100 रुपये निकाला हूँ, एक बार 1500 रुपये निकाल, एक बार ट्रांसफर देखो, एक बार 100 रुपये ट्रांसफर किया, मतलब 100 रुपये रिसीव किए हैं, फिर यहाँ पर 1500 रुपये रिसीव किए, एक बार 200 रुपये यहाँ पर लगाया था जो कि यहाँ पर फील्ड हो गया था कुछ रीजन से, मेरा जो UPID था ना वो UPID गलत हो गया था, इसकी वजह से जो पैसा था वो फील्ड हो गया, फिर कंपनी मुझे कॉन्टैक्ट किया और एक और रिडीम लगाया था उसको साथ में मेरा पैसा को डायरेक्टली एड करके सेंड कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इसका मैं अपना नंबर उमर भी देना पड़ता ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम होता कंपनी आपको कांटेक्ट कर सकते। देखो यहां पर 10 रुपये करके और ये जो 200 रुपये वाला और एक 10 रुपये अभी मेरा प्रोसेसिंग में है, ये जैसे ही मुझे रिसीव हो जाएगा, ये वाला मतलब रिसीव क्या होना, ये भी बहुत ही जल्द रिसीव हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेसिंग में चला गया है तो ये रिसीव हो ही जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है। और यहां पर देखो 2-3 यहां पर पेमेंट मुझे रिसीव हो चुका है, मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट लिख चुका है, मतलब मेरा जो पेमेंट है वो पेमेंट मुझे रिसीव हो चुका है। चलो फिर बाहर निकलते हैं इसके अंदर, मान के चलो अगर एक चीज जिसमें फीचर्स है वो फीचर्स क्या है आपको मैं समझाता हूं, गौर समझना। अगर मान के चलो इस एप्लीकेशन पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि मान के चलो पेमेंट आईडी पे आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ या फिर कुछ नहीं रिसीव हुआ है, तो उसके लिए आपको करना कुछ है, उसके लिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको अपडेट इंफॉर्मेशन का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका नाम अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपडेट कर देना, ताकि आपका नंबर पर जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कंपनी आपको कांटेक्ट करेगा और पूछेगा कि भैया आपका UPID पे पेमेंट नहीं जा रहा है या फिर कोई दूसरा UPID भेजिए, इस तरह करके आप लोग यहां पर बातचीत कर सकते हैं कंपनी। और एक ऑप्शन होता है कि आप लोग यहां पर गौर देखो, एक ऑप्शन मिलता है क्लेम सेक्शन, मान के चलो इस एप्लीकेशन का जो रूल है, इस एप्लीकेशन का रूल के अनुसार अगर आप लोग किसी भी ऑर्डर को यहां पर से क्लेम करते हैं तो किसी भी ऑर्डर को लगाते वो ऑर्डर आपको 15 दिन से लेकर के 21 दिन के अंदर में, मतलब 15 से 21 दिन के अंदर में उसका पैसा आपको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे कि मान के चलो मेरे पास भी यहाँ पर गौर से देखो, इस पर मेरे 2000 रुपये है ना, 2000 को ट्रांसफर करना है, परचेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 2000 के लिए 4001 रुपये मुझे यहाँ पर से देना पड़ेगा और 4001 रुपये देना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर बस मुझे करना कुछ, मैं बैक ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, मेरा 4001 रुपये दिया जाएगा और उसके बाद मुझे 2000 यहाँ पर से रिसीव होंगे, मतलब ये 50% आपको रिटर्न करता है, 50% कंपनी रखता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर से रिटर्न करेगा कितना, तो आपको यहाँ पर 50% रिटर्न करेगा, और ये जो 50% रिटर्न करेगा ये कितना दिन में करेगा, तो ये रिटर्न करेगा आपको 15 से लेकर के 21 दिन के बीच में, ठीक है, 15 से लेकर के 21 दिन के बीच में रिटर्न करता है, आपको 15 दिन से पहले रिटर्न नहीं करता है। आप लोग भैया एक करके दिखा दीजिए ना, ताकि जब मुझे अच्छा लगे, मतलब आप लोग जो करने के बोलोगे तब यहाँ पर बोलोगे तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसको करके दिखाने के लिए काफी आसान है काम है, यहाँ पर करना कुछ, मान के चलो मुझे ये वाला परचेस करना, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपको जस्ट इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करना, जैसे आपको इस पर बैक ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर से बाय होना शुरू हो जाएगा, मतलब मैं 10 रुपये यहाँ पर लेना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन से, तो 10 रुपये लेने के लिए यहाँ पर देखो मेरा बाय पर हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ये होते के समय बोल रहा है थैंक्स फॉर परचेजिंग, फिल द क्लाइम फॉर्म, आपको अपना क्लाइम फॉर्म को फिल करना है, देन आप मेरा पर ट्रांजेक्शन आईडी टोकन नंबर ये सब कुछ यहाँ पर मेरा खुल करके आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग टोकन नंबर सबका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको बोला कि प्रेस ओके टू क्लाइम फॉर्म, तो अगर आपको क्लाइम फॉर्म को अगर पॉपअप करना चाहते हो तो आप ओके करो या फिर कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मुझे क्लाइम फॉर्म का ऑप्शन पर जाना भैया ताकि मैं यहाँ पर क्लाइम फॉर्म कर सकूँ, ठीक है, मतलब अपना पेमेंट डिटेल सब ऐड करोगे तभी तो जाकर के। अब यहाँ पर बोला कि पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर ऐड करने के लिए, मतलब आपका जो पैसा लेना चाहते हो, अभी जो आप ट्रांसफर किया ना पैसा अपना ट्रांसफर करने के लिए बोले, तो उस पैसे को कहाँ लेना चाहते हो, तो उस पैसे को लेना चाहते हो यहाँ पर जस्ट आपको वैलेट अदर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर बोलेगा अपना डिटेल्स मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन, डिटेल्स मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन आपको बोलेगा भैया आपको यहाँ पर डिटेल्स मेथड ऑफ बोल रहा है कि डिटेल्स मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन आपको, मतलब आपको इस जगह पर अपना चाहो तो अपना UPID जगह पर एंटर कर देना, ठीक है, अपना UPID यहाँ पर आपको बोल रहा है कि योर गूगल प्ले GmailID, आपका जो गूगल प्ले GmailID वो अपना GmailID एंटर कर देना है, इस जगह पर आप लोग गौर से देख सकते होंगे ट्रांजेक्शन मेथड में आप लोग ही एड करना होता है, मतलब सिलेक्ट द मेथड ऑफ ट्रांजेक्शन टू रिसीव योर पेमेंट, आपका पेमेंट रिसीव करने के लिए आप अपना मेथड को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आना और अपना UPID जगह पर अपना एंटर कर देना, जो भी आपका UPID रहेगा वो अपना UPID जगह पर एंटर कर देना, और UPID एंटर करने के बाद में इस जगह पर अपना GmailID इंटर करना, जो GmailID से आप ट्रांसफर किए, और यहाँ पर बोलेगा ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर कहाँ से निकाला वो भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बोला कि मैसेज में आपको जो भी चीज लिखना है वो चीज़ आप मैसेज में यहाँ पर लिख सकते हो, माना तो लिख देना, नहीं माना तो भी कुछ कुछ लिख देना, ठीक है, आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये भी तो लिखना था, बस ये लिख देना, फिर आपको IAGREE ऑप्शन पर क्लिक कर देना, देन आपको सबमिट ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे आपका डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, पूरा पूरा डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर मैं भाई इसको फिल नहीं किया इसी कैसे दिखा रहा, तो आप यहाँ पर अपना डिटेल्स को फिल करके सबमिट कर देना, देन आपका पैसा जो रहेगा वो पैसा आपको 15 से लेकर 21 दिन के बीच में रिसीव होगा, 15 दिन से पहले रिसीव नहीं, और हाँ कभी कभी होता है कि अगर 21 दिन हो गया और आपको पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे, उस कंडीशन पे यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिलता है जिस पे आप लोग अपना सब्जेक्ट को चूज करना और अपना मैसेज पे टाइप करना कि आपका पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है या फिर आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उस प्रॉब्लम को यहाँ पर लिखना मैसेज में और आपको देन एग्री ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना, देन आपका कंपनी से कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा, तो कंपनी से बातचीत कर सकते हो। तो आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग भाई अपना पैसा को ट्रांसफर कर सकते हो आसानी से, तो कुछ इस प्रकार से कर करके आप लोग यहाँ पर पैसे को ट्रांसफर करो और अच्छा खासा अपना पैसा ट्रांसफर करके अगर कोई जितना भी बैलेंस होता है
उसको अगर खत्म करना चाहते हो तो खत्म कर सकते हो, मतलब ट्रांसफर कर करके, ठीक है। तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन आया हो मार्केट पर, तो आप लोगों को मुझे लगा कि बताना चाहिए, मैं आपको बता दिया हूँ। और हाँ, ये वीडियो ओनली फॉर एक तरह से बोले तो एजुकेशन पर्पज के लिए है। अगर ये एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेवारी मेरी तरफ से नहीं है। आप लोग इसे यूज करना चाहते हो तो आप इसे रेटिंग रिव्यू देकर के यूज कर सकते हो। मेरा मेन मोटिव था इस एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू देना, जो कि आपको मैं दे चुका हूँ। और मैं फिलहाल अभी यहाँ पर मैं ऑर्डर लगाया हूँ, और मेरा ऑर्डर यहाँ पर गौर देखो एक दो और यहाँ पर देखो तीन को यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक दो तीन चलिए आज ही काल में लगाया हुआ हूँ, ये आज तो दो को लगाया है और ये वाला दो को आज ही लगाया है। तो मतलब आज मैं लगातार दो दो को लगाया हूँ, इसका टाइम पूरेगा, उसके बाद फिर ये वाला पेमेंट मुझे रिसीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर देखो यहाँ पर मेरा तीन को पेमेंट यहाँ पर मुझे रिसीव हो चुका है। टाइम जैसे ही पूरा जाएगा आपको पैसा ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का यूज कैसे करना है मैं आपको समझा दिया हूँ। वो दिक्कत हुआ तो कमेंट करना, दिक्कत ना हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।